क्या दिखा रहे हो आज? स्कॉर्पियो एन जेड टू फ्रंट से कहीं से अब पता नहीं लग रहा है जेड टू 14,500 रुपए फॉग लाइट हम लगाते हैं। बेस टू टॉप में हम 10,000 की लगाते हैं। 3500 के ग्रिल की क्रोम 7 स्लॉट हाँ 24,500 रुपए की हमारी हेडलाइट 50,000 रुपए की अलॉय 17 इंचेस है 17 इंचेस साइड मिरर जो हमने इंस्टॉल करके दिए कंप्लीट फिटिंग करके 11,500 और ये की के साथ भी है। ये लॉक हो गया या अनलॉक? ओवर विंडो गार्निश 5,500 रुपए रूफ रेल स्पॉइलर लग गया कंप्लीट पेंट करके और ये बूथ पेंट है 6,800 का वाइपर 8,500 रुपए में एक्टिवेट करके विद वॉशर। ये देखो वर्किंग एरा वाटर स्प्रेयर यानो ब्लैक विद स्विचेस ठीक है डी हैंडल इनर हैंडल ठीक है। चामुंडा भैया और मेरे लिए चढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं। ये सिल्वर पार्ट करा हुआ है एसी का तो मेन इसके अंदर इतनी ब्राइटनेस का राज क्या है 150 वॉट और इसमें सनशेड भी चेंज करा हुआ। ये देखो लाइट वाला 5,500 रुपए में स्टीयरिंग बटन है फीलर्स। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जेवटो रामा रोड। हाँ बिल्कुल। क्या दिखा रहे हो आज? स्कॉर्पियो एन जेड टू दिखा रहे हैं आज ठीक है। सारे वेरिएंट्स दिखा रहे हैं Z6 Z4 अब हर वेरिएंट दिखा रहे हैं। किसी दिन Z8 के लिए भी लाऊंगा कि Z8 में क्या हो सकता है ठीक है। Z8 में भी काफी काम हो सकता है तो उसका भी वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी ठीक है। तो आज दिखा रहे हैं Z2 और अपने पास आई कितनी है स्कॉर्पियन? एक Z6 है ठीक है Z2 है वो ये Z6 है। Z6 में भी देख लो काम ही हो रहा है तो बेसिक काम ही होता है Z6 में ज्यादा नहीं होता। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करवा सकते हैं। लगाने पे तो बहुत चीजें लगा सकते हैं काफी होता है इसके अंदर ठीक है। आप इसमें देख सकते हो Z2 हमारे पास काम चल रहा है जैसे कि इसमें कैमरा फिटिंग हो चुका है अभी वाइपर भी लग वाइपर हो गया हैंडल चेंज हो चुका है ठीक है रिक्वेस्ट सेंसर वाला हाँ। और अपना स्पॉइलर वगैरह सारी चीज लग गई रूफ रेल लग चुकी है सी गार्निश वगैरह काम हो गया अलॉय भी लग चुका है मड फ्लैप इसमें हमारा अभी डैम्पिंग हो रही है हाँ डैम्पिंग हो रही है ठीक है डैम्पिंग करेंगे फ्लोरिंग सीट कवर फ्लोरिंग वगैरह हो चुकी है अंदर अभी ये क्लीन होगा एक बार जैसे ही हो जाएगा। और एक बार मैं दिखाता हूँ फ्रंट प्रोफाइल फ्रंट में क्या क्या फ्रंट से दिखाते क्या क्या चेंजेस ऑलमोस्ट क्लियर है फ्रंट नीचे फ्रंट स्कीट पूरा कंप्लीटेड है हाँ स्कीट लगना बाकी है ठीक है। ग्रिल हो चुका हमारा टॉप मॉडल की हेडलाइट हो गया फॉग लाइट हो गया ठीक है। हेडलैम्प आज Z8L वाली लगाई है ठीक है। भैया का मूड बदल दो फिर से हाँ कि LED से स्विच हो जाए। नहीं ये मैंने नहीं लगाया ये लग के आए थे देख सकते हो गंदे अच्छा इनको कंपनी अलॉय व्हील हेडलाइट और फॉग लाइट तीन चीज लगा के दिए कंपनी फॉग लाइट्स ये अपना अलॉय व्हील बिल्कुल ओके है हेडलाइट बिल्कुल ओके है यहाँ पे पता चला फॉग लाइट लोकल लगा करके दे दिया इनको कंपनी ने फॉग लाइट लोकल भी आ गई है फॉग लाइट लोकल लगा देखना है बिल्कुल महिंद्रा की तरह लगेगा महिंद्रा की तरह ही लगेगा बिल्कुल फॉग लाइट आपको तो डिफरेंस दिखा देना आप ओरिजिनल वाला ये आपको प्रोलॉग में भी कहानी चल रहा है। अच्छा तो इसमें फर्क क्या आता है कैसे पता लगता है कि ये कॉपी है? हम तो देख करके पता लगा लेते हैं कि ये बेजल ही लोकल पता चल जाता है देखने से ही ठीक है। फॉग लाइट जो जल रहा है इसी से हमें पता चल जाता है। इसको लास्ट में हम कंपैरिजन दिखाएंगे हाँ जो लोकल फॉग लाइट ओरिजिनल क्या होता है देख के पता चल जाता है। अपना बॉक्स पैक निकाल के ये के भी पहचान होता है मैं दिखाता हूँ जैसे अभी ये व्हाइट जल रहा है ना लेंस अगर इसको मैं बंद करके दोबारा चालू करूँ तो ये पीला हो जाएगा। ओके इसमें मतलब अलग अलग कलर आता है हाँ या येलो फिर उसके बाद बंद करो थ्री कलर वाला होगा ये फिर बंद करके चालू करूंगा तो फिर वो वाइट जल जाएगा ठीक है। तो ये महिंद्रा से लगवाया ये महिंद्रा से लग करके आया है और पैसे भी 18,000 रुपये पेमेंट करके आए 18,000 इस फॉग लाइट के। तो जब मैं इनको बताया फिर इन्होंने महिंद्रा में कॉल किया तो उन्होंने बोले कि आप आ जाइए कोई बात नहीं हम कर देंगे ठीक है। तो ऐसा भी होता है हमने आज तक ऐसी नकली चीज़ें नहीं लगाई एक भी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब ही तो हमारे पे लोग कहते हैं कि आपका सामान महंगा है आपका सामान थोड़ा सा महंगा हो रहा है आपसे सस्ता मिल रहा है मेरे को बाजार में भी ठीक है। इसी तरीके के चीज बाजार में भी मिलता है इस चीज़ों से तो चामुंडा भैया इस आइटम की कॉस्ट होगी क्या लगभग? लमसम 8,000 रुपये 8,000 और इसी के ही 18,000 लिए इसके 18,000 रुपये लिए और हम जो महिंद्रा का लगा रहे हैं 10,000 रुपये में मॉडिफिकेशन के साथ लगा के दे रहे हैं वो महिंद्रा की गारंटी है कि महिंद्रा लगा करके दूंगा ठीक है। 14,500 में सिर्फ फॉग लाइट लगवाने आते हैं और दो तीन काम करवाते हैं उनके लिए 14,500 के हमने रेट रखे हुए हैं। अच्छा जो सिंगल काम वाले 8,000 में फॉग लाइट लगा रहे हैं या फिर कम में भी लगा रहे हैं हो सकता है थोड़ी दिन के बाद और भी रेट डाउन कर दें। एक चीजों से बचना है आपको जब भी आप काम करवाने जाओ तो पहले डब्बा अनबॉक्सिंग अपने सामने करवाओ ठीक है।
तो अपने सामने अनबॉक्स करके करवाया करो सारा काम, बाकी हमने दिखा दिया कि महिंद्रा में भी ऐसा काम हो सकता है। महिंद्रा में ये कि नहीं आया, मेरे पास अभी तक कम से कम 10 से 15 गाड़ी ऐसा आ चुका है और महिंद्रा की एक ही ब्रांच है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, नाम नहीं लेंगे किसी का, नाम नहीं लूंगा। एक ही ब्रांच है जहाँ से बार बार आता है, जैसे मैंने फॉग लाइट देखा मैंने सर को यही बोला आपने इस ब्रांच से गाड़ी ली, उन्होंने बोला हाँ मैं उसी ब्रांच से ली, आपको कैसे पता, मतलब फॉग लाइट आपकी लोकल है। ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा कॉस्ट का लगा दिया। एक बार अंदर से दिखा दे कंडीशन, अंदर से साइड मिरर चेंज करा, साइड मिरर, बाकी साइड मिरर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, रिक्वेस्ट सेंसर वाले हैंडल्स अपग्रेड कर दिए, और ये वायरिंग देख सकते हैं साइड मिरर की वायरिंग के लिए कितनी तामझाम बनाना पड़ता है पूरा। ठीक है, तो ये चीजों के ध्यान में रखते हुए कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहा आपकी वायरिंग से, हमारी वायरिंग है। कभी भी आप एक जो कारीगर है ढंग के जिसका हाथ इस पे सेट है उसी से आप काम करवाए। ठीक है, तो अभी अंदर से कंडीशन दिखा देते एक बार, स्टीयरिंग हो रहा है अपना रैप और अंदर काफी काम चल रहा है, एक बार लास्ट में दिखाएंगे। हाँ, फाइनल होने के बाद मैं पूरा दिखाता हूँ। और गाड़ी बाहर इसलिए खड़ा, अंदर नहीं खड़ा हुआ क्योंकि अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर अच्छी वीडियोस दिखेगी, फिर अच्छी वीडियोस दिखेगी और एक अलग चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हो जाए फिर दिखाते। फाइनली कम्प्लीट हो गई Z2? बिल्कुल फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है। तो दिखाते अब क्या क्या करा हुआ है इसके अंदर हमने। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था फॉग लाइट कंपनी से लग के आया था, सही है, हेडलाइट कंपनी से आया था और ऑल ओवर कंपनी से लग कर के आया था। ठीक है, हम जो फ्रंट फेस से किए इसमें क्रोम ग्रिल, नीचे स्किड सिल्वर। ठीक है, हाँ, और आज लगी है ZL वाली हेडलैम्प्स, ये लगा करके आया था। इसका भी मैं रोशनी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी फोकस आता है। ये हो गया लो बीम, ये लो बीम और ये हो गया हाई बीम। मैं आपको एक बार ना बंद करके दिखाऊं, जरा एक बार लाइट्स बंद करके दिखाते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था LED सेटअप करने के बाद। एक बार लाइट का रिस्पांस दिखा देते हैं Z8L वाली हेडलैम्प्स में। ये तो नकली वाली फॉग लैंप है, ये देखो येलो कलर की जल रही है, नहीं तो, अब येलो ना, ठीक है, अब व्हाइट जल रही है। ये फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक बार ऑफ करके ऑन करके व्हाइट कर दो इसे। ये हेडलाइट जल रही है लो बीम में, लो बीम में और ये हाई बीम में, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो अपनी LED सेटअप करते हैं उसके आगे। इससे ज्यादा रोशनी तो हमारे लो बीम में होता है, काफी ज्यादा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको एक कंपैरिजन के लिए क्लिप डाल दूंगा इसी वीडियो में जो हमने LEDs लगाए थे। हाँ, उस वीडियो के और इस वीडियो के दोनों कंपैरिजन एक बार करके दिखा देना। ठीक है, वो वाले में सेटअप दिखाते हैं हम जो LED हमने इंस्टॉल करी थी इसके अंदर। एक बार लाइट्स ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो LED ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए ब्राइटनेस के पर्पस के लिए। अभी हमने लाइट का रिस्पॉन्स तो दिखा दिया, हाँ, अब हम बताएंगे फ्रंट से जो जो चीजें कवर करी है। एक स्किड प्लेट और एड ऑन करी हुई है, हाँ, जो पहले नहीं दिखाई थी स्टार्टिंग में, हाँ, बिल्कुल नहीं दिखाई थी। ठीक है, फ्रंट से कहीं से अब पता नहीं लग रहा है ये Z2 है। फ्रंट तो कवर कर लिया, लेकिन प्राइसिंग हम जैसा हर वीडियो में बताते हैं वो एक बार दोबारा से बताएंगे। 14,500 रुपए फॉग लाइट हम लगाते हैं। ठीक है, अगर पूरी गाड़ी का 0 to top अगर तैयार हो तो पूरी तो हम 10,000 रुपए फॉग लाइट लगा देते हैं। ठीक है, बेस टू टॉप में, हाँ, हम 10,000 की लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉग लाइट अगर लगता तो 14,500 रुपए। ठीक है, कॉस्टिंग बता दी फॉग लैम्प की, 3,500 के ग्रिल की क्रोम, ठीक है, 7 slots, हाँ, और 24,500 रुपए की हमारी हेडलाइट। ठीक है, सबकी कॉस्टिंग हमने बता दी, हाँ, आपको। बाकी साइड से दिखाते हैं साइड से क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। 50,000 रुपए की अलॉय, 17 inches है, 17 inches, ठीक है, 50,000 में मिल जाएंगे, सेम टायर में लग जाते हैं, बिल्कुल, 58,000 के 18 inches, उसमें टायर एडिशनल है, वो एडिशनल में, ठीक है। तो साइड से और दिखाते हैं, साइड मिरर भी लगा हुआ है इसके अंदर, साइड फुटरेस भी लगाया हमने, मिरर भी लगा के दिए इसके अंदर, ठीक है, स्किड सिल्वर भी करके दिए हैं, स्किड सिल्वर करा हुआ है, हाँ, रिक्वेस्ट सेंसर वाली हमारा डोर हैंडल भी लगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखो ये वर्किंग नहीं है, हाँ, लेकिन हमने सिर्फ ऐसे डमी लगा रखा है। लोअर गार्निश क्रोम हमारा लग गया, 4 piece रिप्लेसमेंट और सी गार्निश पेस्टिंग, ठीक है, सी गार्निश पेस्टिंग होती है, हाँ, और ये हमारा डोर वाइजर हो गया और ये रूफ रेल हो गया, बोल्ट फिटिंग वाले, ठीक है, बोल्ट फिटमेंट के साथ करते हैं हम हमेशा, हाँ, इंस्टॉल, और इसके लिए काफी टाइम भी, हाँ, लगता है। और मैं प्राइस की बात करूँ इसका, तो साइड मिरर जो हमने इंस्टॉल करके दिए कंप्लीट फिटिंग करके, फुल फिटिंग करके दिए, बस 11,500 जैसा हमने डिस्काउंट दिया था। और ये की के साथ भी है, तो ये लॉक हो गया, ये अनलॉक, अनलॉक, ये चाबी बना करके दिए हैं, ठीक है, की, हाँ, आज की पे ध्यान नहीं गया। ये रहा Z2 के अंदर फ्लिप की,
रिमोट वाली जो नहीं आती है, हम नहीं कोडिंग करके सब महिंद्रा के की दिया हूँ, ये हिला के चाबी आता है महिंद्रा में, कोई लोकल चाबी नहीं बना के दे रहा। ठीक है, प्रॉपर हमने चाबी बना के दी है Z2 के अंदर। बाकी अपनी फुट रेस्ट अगर किसी को लगवाना हो 6000 रुपये, 6000 में लग जाएगा। ठीक है, लोअर विंडो गार्निश 5500 रुपये, 5500 रुपये ये सी गार्निश के साथ कम्प्लीट। ठीक है, इसकी भी कॉस्टिंग हमने आपको बता दी है 5500 रुपये, 5500 रुपये रूफ रेल। हाँ ठीक है, साइड से हमने ऑलमोस्ट सबका बता दिया, बैक से दिखाते क्या क्या चेंजेस करो। रूफ रेल जो मैंने 5500 रुपये बताया, पूरी गाड़ी कंप्लीट तैयार होता है, तो अभी नहीं कि दो चार काम करवाने आ रहा हो और रूफ रेल आपको 5500 रुपये में लगा के दे दूँ। इसमें मेहनत काफी होता है, टाइम लगता है, तो पूरी गाड़ी के काम के साथ साथ बीच में हो जाता है, अगर सिर्फ रूफ रेल के लिए हम गाड़ी नहीं खोलते 3-4 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये उसका एडिशनल अपना प्राइस लगेगा, जो उसका फिर वही प्राइस रहेगा जो आता है। हाँ, जो प्राइस आता है। ठीक है, वो डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा स्पॉइलर लग गया, स्पॉइलर लग गया विद पेंट, कंप्लीट पेंट करके, और ये बूथ पेंट है, प्रॉपर मैचिंग पेंट, 6800 का 6800 रुपये का। ठीक है, फिटमेंट के साथ 6800 का आपका आ रहा है, अगर आप इसमें लोकल पेंट करवाते तो आपको 5800-6000 रुपये में हो जाता है। ठीक है, दोनों की कॉस्टिंग हमने बता दी। और ये वाइपर 8500 रुपये में एक्टिवेट करके विद वॉशर 8500 में। हाँ, इसके साथ वाइपर हो गया, मोटर हो गया, मोटर हो गया, अंदर असेंबली, अंदर हो गया, की असेंबली हो गया, वाटर स्प्रे झरने के साथ है। ठीक है, तो एक बार चला के भी दिखा दो। वो भी दिखा देता हूँ, और पीछे हमारा स्किड सिल्वर हो गया, और पीछे बम्पर की क्रोम भी लगा है। ठीक है, तो अब पीछे से भी पता तो लग नहीं रहा Z2 है, बस एक डिफॉगर की कमी रह गई। ठीक है, कैमरा भी है, कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। वाइपर आप देख सकते हैं, ये देखो ये वर्किंग। तो ये रहा वाटर स्प्रेयर, तो ये रहा वाटर स्प्रेयर भी वर्क कर रहा है इसका। ठीक है, वाटर स्प्रेयर भी फुल वर्क कर रहा है इसका, पानी शायद कम है। ऑटो कट है पूरा ये। ठीक है, ऑटो कट फंक्शन के साथ है। ठीक है, तो पीछे से बस यही काम है। हाँ, अब इंटीरियर दिखा देते हैं एक बार। इंटीरियर दिखाते हैं, इंटीरियर के अंदर लेके जाते हैं क्या करा हुआ अंदर से। तो ये देखो, डोर पैनल से, डोर पैनल जलाते ही लाइट्स जल रही है, क्या है? बिल्कुल K3 लगा इसके अंदर। ठीक है, K3 एम्बिएंट लाइट है ये। हाँ, आफ्टर मार्केट में आ जाता है। हाँ ठीक है, OEM चीजें अब दिखाते हैं हमने क्या क्या इंस्टॉल करा इसके अंदर। पियानो ब्लैक विद स्विचेस। ठीक है, डी हैंडल, इनर हैंडल। तो इसमें पेंटेड पार्ट कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, बीच में जो कंसोल आपको देखने को मिलेगा, और मीटर की फ्रेम, स्टूडियो की फ्रेम, ये पेंटेड है। ठीक है, पेंटेड पार्ट होता है अपना सेंटर कंसोल और स्टीरियो फ्रेम, क्योंकि ये महिंद्रा भी प्रोवाइड नहीं करती इसमें। हाँ बिल्कुल, और अपना ये सॉफ्ट टच करा हुआ। ठीक है, ये हुआ है, तो डोर पैनल से बस यही करा हुआ है। हाँ, वेलकम लाइट। ठीक है, ये फ्रंट 2 में आती है। फ्लोरिंग करने के बाद हमने 70 कर दी इसके अंदर। ठीक है, फ्लोरिंग पहले करी थी हमने, दिखाया था स्टार्टिंग में, फिर 70 मैट इंस्टॉल करा हुआ है। तो इंटीरियर से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस कर रखा है इसके अंदर। सबसे मेन होता है सीट कवर, हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, मॉडल वाली सीट कवर। ठीक है, सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच करा हुआ है हमने। स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग कवर मून डिजाइन है ये? नहीं, ये कुछ और है, ये ना 4 कट वाले बोलते थे। अच्छा, ये 4 कट वाला है। हाँ, मून डिजाइन में अलग होता है शेप उसका। हाँ, इसका अलग है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये वाला भी करवा सकते हो आप, ड्यूल टोन। हाँ ठीक है, मून डिजाइन भी ड्यूल टोन ही होता है। हाँ, लेकिन उसमें ये कट्स नहीं आते। हाँ, जो इसमें आ रखे हैं। हाँ, ठीक है, तो सीट कवर हमने दिखा दिया, Z8L से भी कंपैरिजन कराया था एक बार, करवा रखे हैं। एंट्री में आपको एंट्री वाली हैंडल मिलेगा। ठीक है, चामुंडा भैया और मेरे लिए चढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं। एसी के वेंट भी दिखेगा आपको। ठीक है, ये सिल्वर पार्ट करा हुआ है एसी का। हाँ, और ये नहीं आता इसमें। हाँ, ब्लैक आता है। हाँ, पियानो और मीटर की पियानो। ठीक है, मीटर वाला पार्ट भी पियानो ब्लैक करा हुआ है इसके अंदर। और सेंटर तो कंसोल हमने दिखाई दिया, ये भी स्पार्कल पेंट वाला है। कोई और स्टीरियो फ्रेम भी है। ठीक है, स्टीरियो फ्रेम इसका मैट में आता है, लेकिन वो क्रोम नहीं आया अभी तक। पीछे भी सिल्वर दिखेगा। ठीक है, पीछे भी सिल्वर करा है। तो पीछे वाला पार्ट दिखा देते हैं आपको, ये वाला एसी का पार्ट, ये भी हमने सिल्वर कर दिया। ठीक है, तो बैठोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम एक बेस वेरिएंट में बैठे हुए। सोनू भाई को देखो ना, पानी की बोतल वगैरह। ठीक है, सोनू भाई पानी की बोतल लेके क्या कर रहे हो? ठीक है, आर्म रेस्ट देखो और फिटमेंट देखो। पूरे ग्लास होल्डर वगैरह सबकी फिटिंग देख सकते हो, प्रॉपर आ रखी है। और सीट कवर में कहीं भी आपको एक भी रिंकल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जो एकदम Z8 में आते हैं सेम वैसे ही सीट कवर्स हैं, कंपैरिजन दिखा रखा है हमने पहले भी। और पीछे से देख सकते हो इसकी क्वालिटी, अगर देखनी है तो ये कुछ क्वालिटी आती है।
फिटमेंट की। एक बार फ्रंट से दिखाते थे, तो अंदर से एक चीज़ और दिखाते हैं, Z2 के अंदर हमें यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं मिलते। नहीं मिलते तो मैंने Z8 वाला कर दिया ना। ठीक है, जो Z8 के अंदर आते हैं मैट स्विचेस, ऑप्शन ग्लॉसी का भी है। हाँ, मैट वाले इंस्टॉल करे हुए हमने। ठीक है, तो सेम प्राइस आता है इसका? सेम प्राइस आता है, दोनों का प्राइस सेम है, आपकी मर्जी है आपको कौन सा लगाना है, लेकिन सब ग्लॉसी ज्यादा लगाते हैं। पर मैट भी अच्छा लगता है, मैट भी अच्छा लगता है। अगर किसी को एक लुक चाहिए Z8 वाली, तो वो मैट ही लगवाएंगे। बाकी ये MID कंट्रोल हो रहा है यहाँ से? हाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो MID यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं हम। पहले हमें नीचे से करना पड़ता था कंट्रोल, अब यहीं से ही इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और वाइपर का स्विच भी दिखा देते हैं, रेयर वाइपर का। ये वाइपर के जो मैंने 8,500 के किट बताते उसके अंदर ही आते इंक्लूड। ठीक है, उसके अंदर ही इंक्लूड है ये, पैसा कुछ भी अलग से नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं है कि जो मैं वाइपर के पैसे कम बता के इसके कॉम्बिनेशन के अलग से ले लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम सेंटर स्पीकर भी लगा सकते हैं अगर किसी बाइक लगवाना है। अगर किसी को सोनी वाली ग्रिल लगवानी है, वो ग्रिल भी लग सकती है या स्पीकर के साथ लगाना, वो भी लग सकती है, दोनों चीज़ें सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसके अंदर इतनी ब्राइटनेस का राज क्या है? 150 वाट। ठीक है, 150 वाट की हमने LED इंस्टॉल करी है विद सनग्लास होल्डर। हम Z2 वाले भैया को छोड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक बार दिखा देते हैं ब्राइटनेस कितनी होती है। तो इतनी ब्राइटनेस होती है पूरी गाड़ी के अंदर। ये C6 है, अभी C6 ही है ये। और अब देखो ये 75 वाट हो गया और ये 75 वाट। ठीक है, सबके चेहरे ग्लो कर रहे हैं अब। हाँ। तो इजीली आप ये लगवा सकते हो। अगर Z4 वाला भी लगाना, उसमें सिर्फ आपको सनग्लास होल्डर मिलेगा, लाइट ऑप्शन नहीं मिलता। और Z6 वाला भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें सनरूफ का बटन मिलता है, पर सनरूफ होती नहीं है। ठीक है, ये यूजफुल ज्यादा रहेगा। और इसमें सनशेड भी चेंज करा हुआ है, चलो ना, ये देखो लाइट वाला। ठीक है, ये भी इंस्टॉल कर दिया। हाँ, ये बंद करते लाइट बंद हो जाएगा आपका, ऑन करते ही देखो ये भी एक नई चीज़ लगा दी चामुंडा भैया ने, और काफ़ी अच्छी है ये भी चीज़। तो ये भूल जाते हैं आप, मैंने याद दिला दिया क्योंकि मैंने अभी चेक करा था। तो RS में चामुंडा भैया ओरिजिनल वाला Z8L वाला भी अपने पास अवेलेबल है। हाँ, लेकिन उसमें इतनी कुशनिंग नहीं मिलती, इतनी आरामदायक नहीं। ठीक है, तो पीछे वूफर का भी ऑप्शन था, वूफर भी लगवा सकते हैं। इसमें सिंगल लेयर डैम्पिंग किया गया अंदर की तरफ सिर्फ। ठीक है, तो बाहर से बॉडी हैवी हो जाए, सिंगल लेयर करा, सिंगल लेयर सिस्टम का काम इसमें होना था, बट भैया कह रहे थे अगली बार मैं सिस्टम का काम करवाऊंगा। सिस्टम का काम अगली बार करवाएंगे भैया, अभी स्टॉक वो ही चला रहे स्पीकर्स। तो एक क्रोम वाला था पार्ट, वो अभी तक आया नहीं होगा? नहीं, वो एक्चुअली जो भी कंपनी से आ रहा है वो ब्लैक वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो चामुंडा भैया हमने दिखा दी इसमें चीजें क्या क्या इंस्टॉल कर दी है और क्या क्या हो सकती है। हाँ, ये 5500 रुपए में स्टीयरिंग बटन है ना, दोनों सेम ही रेट में होता है। ठीक है, 5500 रुपए में लगवा सकते हो। ये सब भी बहुत सस्ते सस्ते आता है, 900-1000 रुपए के पीस आ जाते हैं सब। ठीक है, तो प्राइसिंग हमने आपको सब बता दिया, आप चामुंडा भैया को एक मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, प्राइसिंग की लिस्ट वगैरह सब भेज दोगे आप। ठीक है, तो एक बार फीडबैक लेते हैं कस्टमर का। फीडबैक लेने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर किसी भाई को काम करवाना हो तो एक बार आप कन्फर्म जरूर कर लिया करो कि हम क्या रेट दे रहे हैं, कहीं बाजार में क्या रेट मिल रहा है, और कहीं आपको 1500 रुपये सस्ता रेट बता करके किसी और चीज़ में तो नहीं घुमाया जा रहा, आपको लोकल चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। जैसे भैया कह रहे थे कि भैया फॉग लाइट मेरे को कंपनी में 18,000 रुपये का मिल रहा है, मैं वहीं से लगवा लेता हूँ, बोलो आपकी मर्जी। और ये 18,000 में क्या लगा हुआ? 30,800 रुपये की हेडलाइट लगा कर दिया कंपनी, 69 का अलॉय व्हील लगा कर दिया, और फॉग लाइट 18,000 रुपये के, बाकी दो चीज़ तो चलो प्राइस महंगा दिया बट ओरिजिनल है, फॉग लाइन इनको लोकल लगा कर दे दिया। तो इस जब आप कंपनी में इस तरीके से आपको मिल रहा है तो बाजार में समझ लो क्या मिलने वाला है, तो ऐसे ट्रस्ट कंपनी में भी नहीं रहेगा। और ये चीज़ कोई भी दुकानदार आपको नहीं बताता होगा, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो गेम उसी से खेलता है। ठीक है, गेम उसी से खेलता है, आपको बस फॉग लाइट की प्राइस बताएगा, महिंद्रा ओरिजिनल बताएगा, जो कॉपी लग करके आता है कभी भी किसी गाड़ी में तो वो नहीं खोलता, क्योंकि अगर वो खोल दिया तो उसकी कमाई के जरिया भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी सब होता है स्कैम। हाँ, तो हमारे पास हम क्लियर बता देते कि लोकल फॉग लाइट है, हमारे यहाँ पे चीज़ मिलने वाला नहीं है। कह रहा नहीं मैं कंपनी से लगवाया हूँ, मैं पूरी एक एक चीज़ डिटेल दिखा दिया कि जेन्युइन का। हमने भी वीडियो में सब शो रखा कि क्या चीज़ एक भैया लगवा के, एक कंपेरिजन चामुंडा भैया हमने दिखाई नहीं, एक लाइट कस्टमर को स्क्रैचेस वाली मिली है और एक लाइट सही है। हाँ, कंपनी से मिला है। ठीक है, हमारे पास आओगे आप खुद देख लेना, कस्टमर हमसे तो लेंगे। मैं दिखा देता हूं अभी। जो ये ट्रस्ट करते हैं ना कस्टमर्स की, कंपनी में अच्छा काम होता है। हेडलाइट इनको फ्रेश लगा दिया, एक पुराना हेडलाइट लगा, तो नेगेटिव चीजें भी मुझे दिखाना बनता है इस वीडियो के अंदर। जैसे अभी हम बाहर रिव्यू के लिए जाएंगे दिखाएंगे। हाँ, मैं दिखाता हूँ। तो चामुंडा भैया अभी हेडलाइट्स हम दिखा रहे थे रिव्यू लेने से पहले, तो क्या हेडलाइट में कमी है एक बार दिखा देते हैं। पहली बात तो मैं दिखाऊंगा कि अगर हमारी LED लगा हुआ होता तो आप हेडलाइट में जो फोकस करो कैमरा कर ही नहीं पाते। ठीक है, इतनी तेज है, और इसकी हेडलाइट क्लियर है, देखो आप, देखो एक बार। ठीक है, क्लियरिटी देखो इसकी, बिल्कुल क्लियर है। और यही दूसरी हेडलाइट देखो,
पूरी स्क्रैच कैसे दिखे? ये देखो स्क्रैचेस देखो इसके अंदर कितने, ये देखो पूरी लाइनिंग पूरी दिखेगा, थोड़ा नजदीक लेके जाओ कैमरा ऐसे दिखेगा। तो ऐसा लग रहा है यूज्ड या डिस्प्लेड वाला आइटम लगा रखा है। तो कंपनी में भी ये चीज किया जाता है, डिस्प्ले वाली आइटम है ना। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है कंपनी पे ट्रस्ट करके। और जिन जिन भैया की गाड़ी है वो कैमरा में नहीं आना चाहते क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मैं बेस मॉडल लिया हूँ पर दिखाना नहीं चाहता, बेस मॉडल लेके दिखाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं कैमरा में आ गया पूरे मोहल्ले में ऑफिस में सबको पता लग जाएगा कि मैं बेस मॉडल लिया हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वैसे उनका फीडबैक जाना आपने कि कैसा था? सैटिस्फाइड है? बस वो काम से इतने खुश है और काम इनको जेड करवाना था इसीलिए हमारे पास आए थे। अभी मैं बोला भैया को फीडबैक में आ जाओ, कह रहे नहीं फिर तो सबको पता ही चल जाएगा कि मैं Z2 लिया हूँ। तो उन्हें कुछ लगा पछतावा कि ये काम हम यहाँ से नहीं करवा सकते? कंपनी में फोन किया। अच्छा, कह रहा नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने बोला बस जिस दुकान पे खड़ा हूँ ना, जेऑटो की दुकान पे खड़ा हूँ, नाम समझ लो। तो जैसे जेऑटो के नाम सुना, बोला कि सर ठीक है कोई बात नहीं आप आ जाइएगा। ठीक है, तो अब उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जाने के बाद पूरी उजागर होता। अभी तक हमने उनका 10 से 15 गाड़ी का गेम खोल चुके हैं अभी तक। ठीक है, उसे मालूम है कि जेऑटो वाला ही सिर्फ गेम खोल सकता है क्योंकि हम लोकल में डील करते नहीं। और पहले तो हम स्कॉर्पियो क्लासिक की कमियां गिनवाते थे। हाँ, अब एन की भी कमियां आने लग गई है। हम लोकल नहीं करते और न करने देंगे। ठीक है, और बिल्कुल बॉक्स पैक मिलते हैं हमारे पास। हाँ, तो आप अपना 15-16 लाख रुपए गाड़ी लेकर के आते हो, ट्रस्ट करके 1.5-2 लाख रुपए काम करवाते हो, बस 5-7 हजार रुपए टोटल पे फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आप देखो किसी चीज में ज्यादा आते हो, किसी चीज में आप अगर कहीं और जाते हो सस्ते के चक्कर में, तो दूसरे चीजों में रेट आपसे ज्यादा लिया जाएगा। और टोटल ओवरऑल करो तो 5-7 हजार रुपए कहीं मेरा कम होगा, कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है टोटल में। तो 5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप अपनी गाड़ी के साथ खिलवाड़ ना करें, ये चीज मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो जैसा चामुंडा भैया ने बता दिया, हमारे पास आओ बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको। प्राइस बेस्ट मिलेगा, कई बार मैं खुद ही कह रहा हूँ कि 5-7 हजार रुपए, कई बार किसी के पर्ची से कम भी मिलेगा, किसी के पर्ची से ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि हमारा काम जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन काम। अगर कोई लोकल लगा रहा है तो हमारा ज्यादा मिलेगा, अगर कोई ओरिजिनल पे कंपैरिजन करेगा तो हमारा रेट उस समय कम होगा। ठीक है, ओरिजिनल पे अगर कोई टक्कर हमसे खेले तो हमारा प्राइस कम होगा, और कोई लोकल सामान बीच में ऐड कर रहा तो हमारा ज्यादा होगा प्राइस। ठीक है, तो आज हमें रेटिंग और फीडबैक देने के लिए कस्टमर नहीं रहेंगे, और हम खुद दे नहीं सकते। आप ही कमेंट डाउन करके बता सकते हो या क्या रेटिंग देना चाहते हो लास्ट में बता देना। कैसा काम लगा, काम वगैरह कैसा लगा आपको Z2 के अंदर? हमने पूरा काम दिखाया आपको, तो एंड करें अब? हाँ बिल्कुल एंड करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं, पर एक चीज भूल जाते हो। क्या आना काम हुआ कहाँ पे है? जय ऑटो रामा रोड मोती नगर DLF के ठीक सामने पड़ता है, और नियर बाय जो इसका मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पड़ता है। एक तरफ कीर्ति नगर की मेट्रो स्टेशन पड़ता है और दूसरी तरफ जखीरा की फ्लाई ओवर पड़ता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक रोड निकलता है रामा रोड। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आइए, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे आपको ना जाम मिलेगा ना शोर शराबा मिलेगा, बिल्कुल पार्किंग आपको इतनी अच्छी पार्किंग मिलेगा, इतनी सहूलियत से गाड़ी लगा के काम करवा सकते हैं कि आप खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई मैं गाड़ी लेकर के आया और सही जगह पे आया हूँ। ठीक है, और गूगल मैप का आपको लिंक मिल जाएगा, लोकेशन तक आप पहुंच सकते हैं। अगर नहीं आप आ पाते तो हम मेरे को कॉल करो, चामुंडा भैया को कॉल कर लेना, सोनू भाई को कॉल कर लेना और विजिट कर लेना आके। ठीक है, अब एंड करते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।